हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तेलुगु फैन फिक्शन सीरियल किलर का लास्ट पार्ट स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले आप स्टार्ट करते हैं। तोंग जंगकुक को रेडी होने में हेल्प कर रहा था, तब जंगकुक तोंग की तरफ ही देख रहा था। तोंग अपनी काम वॉइस में जंगकुक से पूछता है, तुम क्या किसी को मारने के लिए जा रहे हो? जंगकुक कहते हैं, इस तरह एक बिजनेस ट्रिप है, ना कि मैं किसी को मारने के लिए जा रहा हूँ। तोंग कहता है, तुम्हें ऐसे भी किसी को मारने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास ऑलरेडी मनी है, तो फिर तुम लोगों को मार कर क्या करोगे? तोंग की तरफ जंगकुक अपनी कोल्ड टाइस के साथ देखने लगता है। फिर जब जंगकुक की टाई को तोंग फिक्स कर देता है, जंगकुक तोंग को खुद के पास से दूर पुश करता है और कहता है, तुम्हारी बातों को सुनकर अगर मैं चलूँगा तो फिर एक दिन मैं मर जाऊँगा, क्योंकि मेरी एनिमी इस वर्ल्ड में कम नहीं है जो लोग मुझे ऐसे ही छोड़ देगा। मैं इस रास्ते से पीछे नहीं जा सकता हूँ। शायद मैं लोगों को मारना कम कर सकता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बैठे रह पाऊँगा। मैं कभी भी इससे पीछे नहीं जा सकता, इसलिए तुम्हें समझना होगा। और अगर तुम समझ नहीं सकते हो तो फिर मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं है। मैं शायद तुम्हें फिर से लॉक कर दूँ और फिर से टॉर्चर करना स्टार्ट करूँ। तुम्हारे पास ही रास्ता है। अगर तुम चाहते हो तो फिर मेरे साथ अच्छी तरह से रहो, और अगर तुम नहीं रह पाते हो तो फिर ये तुम्हारे लिए ही बुरा होगा। और इसके साथ जंगकुक रूम के बाहर की तरफ चला जाता है। तब जल्दबाजी में जंगकुक को फॉलो करने लगता है और जंगकुक की हैंड को पकड़ लेता है पीछे से। जंगकुक तोंग की तरफ टर्न होता है। तोंग जंगकुक को कहता है, ओके मैं समझ गया हूँ, पर तुम ट्राई करते रहो, एक दिन सब कुछ फिनिश हो जाएगा। जंगकुक कहते हैं, इतना ज़्यादा ईजी नहीं है, इसके अलावा और कोई तुम्हारे पास टॉपिक है? फिर तोंग जंगकुक को कहता है, तुम कब घर में आओगे फिर से? जंगकुक तोंग को थोड़ी देर तक सोचता है और कहता है, शायद 1 वीक बाद। इससे तोंग हूँ कह देता है। फिर जंगकुक तोंग को अपने पास खींच लेता है और उसके लिप्स पर और फोरहेड पर एक पिक करते हुए कहता है, तब तक अपने ख्याल रखना, मैं तुम्हें जब भी फ्री हो जाऊँगा कॉल करूँगा। तोंग हाँ कह देता है। उसके बाद जंगकुक वहाँ से चला जाता है। तोंग थोड़ा सा सैड फील करने लगता है। जंगकुक के जाने की 3 डेज हो जाता है। तोंग जंगकुक के साथ कभी कभार कॉल पर बातें करता है, पर जंगकुक बहुत ज़्यादा बिजी था, उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है जिस वजह से तोंग के साथ बातें कर पाएगा। आज सर्वेंट्स जो कुछ छुट्टी पर था और कुछ घर में इधर उधर काम कर रहा था। तोंग जब खुद के लिए किचन में कुछ बनाने के लिए जाता है, तब डोरबेल बजने लगता है। तोंग जल्दी से जाकर डोर को ओपन करता है। वो देखता है कि उसके सामने मिस्टर जियोन खड़ा हुआ था। तोंग तुरंत ही डोर के पास से हट जाता है। तब मिस्टर जियोन अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद मिस्टर जियोन आसपास देखने लगता है। आसपास कोई भी नहीं था। फिर मिस्टर जियोन तोंग से अपनी काम वॉइस में पूछता है, मेरी ग्रैंडसन कहाँ पर है? इससे तुरंत ही तोंग कहता है, ऊपर रूम में सो रहा है। मिस्टर जियोन कहता है, मुझे उसे देखना है, मुझे वहाँ पर लेकर चलो। तोंग थोड़ा सा घबराने लगता है। फिर तोंग कहता है, पहले मुझे जंगकुक के साथ इस बारे में बातें करना होगा। मिस्टर जियोन कहता है, तुम जंगकुक के साथ इस बारे में बातें करोगे? जंगकुक मेरी बातों को सुनकर चलता है, इस बारे में भूल मत जाओ, चुपचाप ऊपर चलो और मुझे मेरी ग्रैंडसन को देखने दो। तोंग कुछ भी नहीं कहता है और मिस्टर जियोन को फॉलो करने के लिए कहता है। मिस्टर जियोन तोंग को फॉलो करने लगता है और तोंग की बैग की तरफ देखने लगता है। फिर तोंग जब मिस्टर जियोन को लेकर रूम के अंदर एंट्री करता है, तोंग अपनी सन के जब बेड के पास आता है, वो मिस्टर जियोन की तरफ देखता है। मिस्टर जियोन जो डोर को लॉक कर दिया था, इससे तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और थोड़ा सा पैनिक भी करने लगता है। पर वो खुद को बाहर से जितना ज़्यादा हो सके शांत करके मिस्टर जियोन से अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, मिस्टर जियोन डोर को क्यों लॉक किया है? मिस्टर जियोन तोंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, कुछ नहीं बस ऐसे ही, क्या मैं नहीं कर सकता हूँ? तोंग अपनी काम वॉइस में फिर से कहता है, मिस्टर जियोन अब भूल मत जाइए कि आप यहाँ पर मेरे घर में हम, अगर आप ज़्यादा बातें करने की ट्राई करें तो फिर मैं गार्ड्स को बुलाकर आपको निकाल दूंगा। आप अगर मुझे जंगकुक समझ रहे हैं तो फिर वो गलत होगा, क्योंकि ना तो मैं जंगकुक की बातें सुनता हूँ, ना तो मुझे आपकी बातें भी सुनने की ज़रूरत है। इससे मिस्टर जियोन एक स्मार्ट के साथ कहता है, और मुझे तुम्हारी यही बात पसंद है, यू नो तुम बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस हो।
तब तोंग अपने आइब्रोस को रेस कर लेता है और कहता है, आपकी कहने का क्या मतलब है मिस्टर जोन? मिस्टर जोन कहते हैं, कुछ नहीं, तुम अगर स्मार्ट होते तो फिर शायद समझ जाते। यू नो, मैं तुम्हें क्यों जंगकुक के साथ नहीं रखना चाहता हूँ। इससे तोंग फिर से कॉन्फ्यूज हो जाता है। फिर मिस्टर जोन कहता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। इससे तोंग को जैसे एकदम से हार्ट अटैक जैसा फील होने लगता है। क्या मिस्टर जोन खुद की तरफ देखा है? वो एक ओल्ड मैन है, वो तोंग को कैसे चाह सकता है? तोंग गुस्से से कहता है, आप एक ओल्ड मैन होकर किस तरह से मुझे चाह सकते हैं? आपको शर्म है भी या फिर नहीं? तब मिस्टर जोन तोंग को देखकर फिर से स्मार्ट करते हुए कहता है, पर मेरे पास इतना ज़्यादा ताकत है जिससे मैं तुम्हें जंगकुक से भी ज़्यादा सेटिस्फाइड करा सकता हूँ। और इसके साथ वो तोंग की तरफ बढ़ने लगता है। तोंग सोली सोली पीछे की तरफ जाने लगता है और कहते हैं, मेरे करीब आने की ट्राई बिल्कुल भी मत करना। मिस्टर जोन तोंग की बातों को इग्नोर कर देता है और एक स्मार्ट के साथ तोंग की क्लोज आ जाता है। तोंग जो वॉल के साथ अटक गया था, तब तोंग साइड में जाने की ट्राई करता है, पर मिस्टर जोन तोंग जिस साइड पर जाने वाला था उस साइड पर वॉल पर अपने हैंड को रखता है। तोंग फिर दूसरी साइड जाने की ट्राई करता है, पर मिस्टर जोन फिर से अपनी हैंड तोंग की दूसरी साइड रख देता है। इससे तोंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में पूछता है, क्या मिस्टर जोन यहाँ पर से दूर हटने वाला है या फिर नहीं? तब तुरंत ही मिस्टर जोन अपने लिप्स को लिख करते हुए कहता है, अगर तुम मुझे खुद को टेस्ट नहीं करने दोगे तो फिर मैं आप कैसे यहाँ से जा सकता हूँ? और इसके साथ मिस्टर जोन तोंग की तरफ झुकने लगता है। तोंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो गुस्से में मिस्टर जोन के प्राइवेट पार्ट पर एक ज़ोर से किक मार देता है, जिस वजह से सेकेंड में ही मिस्टर जोन नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। वो अपनी प्राइवेट पार्ट के अराउंड हाथ को ग्रैब करके रखा था और तोंग की तरफ देखते हुए चिल्ला कर कहते, तुम्हारी इतना ज़्यादा हिम्मत तुम कैसे कर सकते हो? तोंग जल्दी से अपनी सन को गोद में उठाता है और जल्दी से दौड़ते हुए आकर वो डोर को अनलॉक करने की ट्राई करता है। मिस्टर जोन जो बहुत ही मुश्किल से फ्लोर से उठता है और तोंग की तरह बनने लगता है। तोंग जब डोर को ओपन करके बाहर जाने ही वाला था, मिस्टर जोन पीछे से तोंग की हैंड को पकड़ लेता है और तोंग को अपने पास खींच लेता है। इस वजह से तोंग मिस्टर जोन के साथ टकरा जाता है और बीच में से तोंग की सन को भी थोड़ा सा चोट लग जाता है और वो रोना स्टार्ट कर देता है। मिस्टर जोन को इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मिस्टर जोन तोंग के नेक पर अटैक करता है और उसके नेक को अपने टंग से लिक करने लगता है और एग्रेसिवली सक करने लगता है। इससे तोंग के आइस के कॉर्नर में आंसू आ जाता है। तोंग अपने एक हैंड से ही मिस्टर जोन को खुद के पास से दूर पुश करने की ट्राई करता है, पर मिस्टर जोन को जैसे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तोंग सर्वेंट्स को बुलाने लगता है, जो कोई भी अंदर नहीं आ रहा था। तोंग खुद को बहुत ही ज़्यादा लोनली फील करने लगता है। तोंग अपने आइस को टाइटली बंद कर लेता है और तोंग को जंगकुक की बातें याद आता है, जब जंगकुक बोला था वो इसी वजह से तोंग को अकेला बाहर जाना नहीं देना चाहता है, क्योंकि जंगकुक को पता है कि तोंग अगर अकेला बाहर गया तो फिर बाहर के वर्ल्ड के लोग तोंग के ऊपर अटैक कर सकता है और हमेशा तोंग को बचाने के लिए जंगकुक नहीं रहेगा। तो फिर उस टाइम पर तोंग को खुद ही खुद को प्रोटेक्ट करने की ट्राई करना होगा और तोंग को जंगकुक के सारे मोमेंट पर कोई फेस ही नहीं होने देना चाहता है। इसी वजह से वो यहाँ पर तोंग को लॉक करके रखा है। तोंग को ये बात याद आने के बाद उसे लगता है कि जंगकुक सही कह रहा था, वो ना तो बाहर सेव है ना तो अंदर भी सेव है। उसकी स्तन उसकी गोद में रो रहा था और मिस्टर जोन इस तरह से उसके नेक पर एक मॉन्स्टर की तरह बाइट मार्क्स देने में बिजी था। तोंग को अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, उसे खुद के बारे में तो नहीं पर उसे उसकी स्तन को कम से कम सेव करना था और तोंग इस तरह से तो उसकी स्तन को सेव नहीं कर सकता है। तोंग सोली सोली पीछे की तरफ जाने लगता है, जिस वजह से तोंग वॉल के साथ टकरा जाता है। उसके आइस के कॉर्नर से आंसू गिर रहा था, पर तोंग खुद को स्ट्रॉन्ग बनाता है और वो अपनी फ्री हैंड से अपनी हैंड के पास कुछ भी ढूंढने लगता है। तोंग की हैंड में कुछ भी नहीं आता है। तब तोंग आसपास देख रहा था, उसके आइस रेड हो गया था, जैसे तोंग की मोशंस वर्क करना बंद ही कर दिया था। तोंग की नज़र तभी मिस्टर जोन की वेस्ट के पीछे एक गन दिखाई देता है। तोंग बिना कोई टाइम वेस्ट किए मिस्टर जोन की वेस्ट की तरफ अपने हाथ को लेकर जाता है। मिस्टर जोन जो तोंग की
नेक पर बाइट्स मार्क देने में बिजी था। वो होता उनकी नेक से होकर उसके कॉलर बोन्स पर बाइट मार्क्स देने लगता है। तब बिना कोई टाइम वेस्ट किए मिस्टर जॉन की पीछे से उस गन को निकाल लेता है और तभी मिस्टर जॉन की स्टमक पर उस गन को पकड़ता है। इससे मिस्टर जॉन शॉक हो जाता है और एक सेकंड में ही वो अपनी सेंस में आ जाता है और वो तोंग की तरफ देखता है, फिर निश्चय की तरफ देखता है। मिस्टर जॉन फिर तोंग को एक इविल स्माइल के साथ कहता है, डार्लिंग इसे छोड़ दो, तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेरे साथ वन नाइट स्पेंड करो, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हारे हस्बैंड को भी कुछ भी पता नहीं चलेगा। तोंग मिस्टर जॉन की तरफ अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ देखता है और कहता है, जंगुक सही कह रहा था, अगर हम लोगों को बचना है तो फिर लोगों को मारना ही पड़ेगा और अगर मारना बंद किए तो फिर वो लोग हम लोगों को मार देगा। जंगुक हर वक्त सही था। तब मिस्टर जॉन तोंग को कहता है, इसे रख दो, और मिस्टर जॉन सोली सोली तोंग की हैंड से गन लेने की ट्राई करता है। तोंग को तो ऐसे पता नहीं था कि गन को कैसे शूट करना है, पर तोंग फिर मिस्टर जॉन को कहता है, मैं छोड़ दूंगा आपको, क्या ये गन लोड है? मिस्टर जॉन कहता है, स्वीटहार्ट तुम कैसे ऐसे कह सकते हो, देखो डैडी यहाँ पर है। तोंग एक इमोशनल लेस स्माइल देता है और कहता है, डैडी तुम डैडी से ज़्यादा कम ग्रैंडफादर ज़्यादा लगते हो और तुम खुद को डैडी बुलाते हो, तुम्हारे पास ताकत भी है, तुम जंगकुक के आगे टिक ही नहीं पाओगे और तुम खुद को यहाँ पर लेकर आए हो मेरे साथ नाइट स्पेंड करने के लिए, लाइक सीरियसली खुद की तरफ देखो, मैं सच में इसे देखकर भी शॉक हूँ कि तुम क्या हार्ट फील करोगे भी, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी प्राइवेट पर कभी वर्क भी करता होगा, दैट्स रियली सैड, इसी वजह से तुम्हारी वाइफ किसी और की तरफ देखता है। इससे मिस्टर जॉन गुस्से में आ जाता है और गुस्से में वो तोंग की चिक को पकड़ लेता है जोर से, तोंग को पेन फील होने लगता है और तोंग इस गुस्से में तभी शूट कर देता है। इससे मिस्टर जॉन जो तोंग की तरफ एकदम से शॉक होकर देखता है, उसकी माउथ की कॉर्नर से ब्लीडिंग होने लगता है। तोंग मिस्टर जॉन की तरफ अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ देख रहा था। मिस्टर जॉन तुरंत ही अपनी गन लेने की ट्राई करता है पर तोंग फिर से मिस्टर जॉन को शूट करता है। इससे मिस्टर जॉन जो नीचे गिर जाता है। तब मिस्टर जॉन तोंग की तरफ देखता है और कहता है, ये सब कुछ बंद करो, जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो। तोंग नहीं सुनता है बल्कि तोंग नेक्स्ट मिस्टर जॉन की प्राइवेट पार्ट पर ही शूट कर देता है, जिस वजह से मिस्टर जॉन जो कुछ ना तो बोल पाता है और कुछ ही सेकेंड के अंदर ही वो फ्लोर पर गिर जाता है और तभी मर जाता है। इसे देखकर तोंग अपने कोल्ड राइस के साथ मिस्टर जॉन की तरफ ही देख रहा था, वो गन को दूर फेंक देता है और तोंग फिर अपने सन को चुप करने की ट्राई करता है और तोंग चुपचाप बेड के कॉर्नर पर जाता है और उसे फिट करने लगता है। तुरंत ही तोंग की सन चुप हो जाता है। कुछ देर बाद तोंग नोटिस करता है कि उसकी फ़ोन रिंग हो रहा था। तोंग बेड की साइड पर देखता है जहाँ पर जंगकुक उसे कॉल कर रहा था। तोंग कॉल को उठा लेता है। तब जंगकुक तोंग को कहता है, तुम कॉल उठाने में लेट क्यों कर दिया हो? तोंग जंगकुक को अपनी इमोशनल लेस वॉइस में कहता है, घर में आ जाओ, तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है। फिर जंगकुक कहता है, मैं ऐसे भी घर में ही पहुँचने वाला हूँ, एक्चुअली मेरी वर्क जल्दी ही मैं फिनिश करके आ गया हूँ। इससे तोंग कोई भी आंसर नहीं करता है बल्कि वो कॉल को कट कर देता है। इससे जंगकुक शॉक हो जाता है और जंगकुक जो ड्राइवर को कार को फर्स्ट क्लास ड्राइव करने के लिए कहता है। जंगकुक जब मेंशन में पहुंचता है वो जल्दी से ऊपर तोंग को ढूंढने के लिए चला जाता है। जंगकुक जब ऊपर अपने बेडरूम के अंदर एंट्र ही करता है वो एकदम से शॉक हो जाता है, उसकी ग्रैंडफादर की डेड बॉडी नीचे फ्लोर पर गिरा हुआ था। तोंग जो अभी भी अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ बैठा हुआ था और उसके सन उसकी गोद में सो रहा था। इससे तोंग को जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर पूछता है कि सब कुछ क्या है, मेरे ग्रैंडफादर को कौन मारा है? तोंग जंगकुक को कहता है, तुम्हें मेरे नेक पर ये सारे बाइट मार्क्स नहीं देख रहा है? इससे जंगकुक क्या इस और भी ज़्यादा डार्क हो जाता है
और पूछता है कि कौन ऐसा क्या है, घर में गार्ड्स और सर्वेंट कहाँ पर था, कोई क्या तुम्हारे पर अटैक किया था। तब तोंग जंगुक को अपने इमोशनललेस फेस के साथ कहता है, तुम्हारे इस ओल्ड ग्रैंडफादर ने मेरे ऊपर अटैक किया था। सोचो उसकी कितना ज़्यादा हिम्मत है कि वो मुझे नाइस टर्न के लिए ऑफर करता है। ये सुनकर जंगुक शॉक हो जाता है और जंगुक पूछते, तुम क्या सही कह रहे हो। तुम तुरंत ही कहता है, मुझे तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे इस ओल्ड ग्रैंडफादर को आज नहीं तो कल मर नहीं था और उसे मैं मार दिया हो, उसके जैसे मॉन्स्टर को जिंदा रहने की कोई भी हक नहीं है। इससे जंगुक शॉक होकर कहता है, बट अभी उसे मरना नहीं था, तुम सब कुछ मैस कर दिया हो। तुम्हें पता भी है कि मेरे ग्रैंडफादर मेरे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और जंगुक तोंग की तरफ बहुत ही गुस्से से देखने लगता है। फिर तोंग जंगुक को कहता है, ठीक है मैं घर को छोड़ रहा हूँ, तुम मुझे नहीं रोक सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास मुझसे भी ज़्यादा तुम्हारी ग्रैंडफादर फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो फिर उसके साथ ही तुम हेल में जाकर रहो, सुइसाइड कर लो, कोई भी नहीं रोकेगा। और इसके साथ तोंग बेड सूटने की ट्राई करता है। जंगुक तभी तोंग को रोकते हुए कहता है, अपनी जगह पर ही रहो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है मुझे बताओ। तोंग जंगुक को कहता है, मेरा प्रॉब्लम अब तुम हो क्योंकि तुम यहाँ पर कहीं पर मुझसे ये पूछोगी कि मैं ठीक हूँ या फिर नहीं, यहाँ पर तुम अपने ग्रैंडफादर को लेकर पड़े हुए हो। जंगुक तोंग के पास बेड के कॉर्नर पर बैठ जाता है और वो फिर कहता है, आई एम सॉरी, पहले तो मैं लेट हूँ और दूसरी बात मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूँगा, तुम ठीक हो ना। तम कोई भी आंसर नहीं करता है, वो सिर्फ जंगुक की तरफ देखने लगता है। फिर तम को जंगुक कहता है, मैं फिर से माफ़ी मांग रहा हूँ इस तरह की बिहेव करने के लिए, एक्चुअली मुझे मिस्टर जोन के पास से मेरी कुछ सामान वापस लेना था जो अब शायद मैं नहीं ले पाऊँगा क्योंकि वो अब तुम जो पार्टी में जिस गर्ल के साथ मिले थे उससे शायद मिलने वाला है। इससे तोंग फिर भी कोई भी आंसर नहीं करता है। जंगुक कहता है, तुम क्या मेरी बातों का आंसर करने वाले हो। तोंग कहता है, तुम क्यों मेरे साथ इस तरह से बातें कर रहे हो, तुम क्या सच में मुझे लेकर केयर करते हो। जंगुक तुरंत ही कहता, ऑफ कोर्स मैं केयर करता हूँ, और ऐसे भी मैं इस ओल्ड मैन को मारने वाला था, मुझे भी पता था कि ये तुम्हारी तरफ बैड तरह से देखता है, इस वजह से मैं घर में गार्ड्स और सब लोग को बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रखने के लिए बोला था, पर वो लोग पता नहीं ऐसा क्यों क्या है, पर मैं हैप्पी हूँ कि तुम इसे मार दिया हो, मैं ऐसे भी एक दिन इसे मार नहीं वाला था। ये सुनकर तोंग जंगुक की तरफ देखते हुए कहता है, मैं तुम्हारे पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ, अब तुम भी उन लोगों के अंदर ही हो क्योंकि तुम्हारी बातें मुझे कोई भी एहसास नहीं दिला रहा है कि जिससे मैं तुम्हारे पर ट्रस्ट करूँ। ये सुनकर जंगुक तुरंत ही कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, तुम सोली सोली मेरे ऊपर ट्रस्ट करने लगोगे, अब क्या इस डेड बॉडी को मैं क्लीन करने दूँ। तुम हाँ कह देता है, पर जब जंगुक गार्ड्स को बुलाकर लेकर आता है और गार्ड्स जब डेड बॉडी को क्लीन करने वाला था तब तुम कहता है, वेट करो जंगुक, तुम्हारे पास तुम्हारी डॉग्स है ना। जंगुक हाँ कह देता है। तुम कहता है, तुम्हारी डॉग्स हंगरी होगा, मैं उन लोगों को हंगरी नहीं देख सकता हूँ, तुम उन लोगों को इसे खिला दो। ये सुनकर जंगुक कहता है, जैसा मेरा क्विंश आता है। और उसके बाद जंगुक गार्ड्स को वही ऑर्डर करता है जो तोंग बोला था। तोंग उसके बाद खुद जो जंगुक को उसकी सन को देखभाल करने के लिए कहता है। जंगुक तोंग को नाराज़ नहीं करना चाहता था, इस वजह से जंगुक भी मान जाता है। तोंग फ्रेश होकर आता है, वो बाहर आने के बाद सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया था, पर तोंग नोटिस करता है कि आसपास वो सारे सर्वेंट नहीं था जिन लोगों को जंगुक हायर किया था, वो कोई भी वहाँ पर नहीं था, और जो लोग पैलेस के अंदर की गार्ड था वो लोग भी वहाँ पर नहीं था। इससे तोंग समझ जाता है कि जंगुक ज़रूर उन लोगों को एक लेसन देने वाला है। फिर जंगुक तोंग के पास आता है और आने के बाद तोंग को कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम खुद मेरी डॉग को खाते हुए देखो जबकि वो तुम्हारा शिकार था, और तुम जबकि उस मेरी डॉग्स को अब दान कर रही हो तो फिर मैं चाहता हूँ तुम उसे ऑब्वियसली देखो। तोंग हाँ मैं अपने सिर हिला देता है, जंगुक तोंग को लेकर उस प्लेस पर चला जाता है जहाँ पर उसकी सारे डॉग्स था जो लोग मीट के लिए भूखा था। फिर
जंगकुक की गार्ड्स जो डॉग्स को खिलाने लगता है, तंग देखने लगता है कि डॉग्स किस तरह से वो सारे मीट को खा रहा था। तो उनकी आइस में कोई भी इमोशन नहीं था और कैसे भी हो सकता है। इतना को सो जाने के बाद तंग को नहीं लगता है कि किसी के अंदर भी थोड़ा सा इमोशन बसा भी होगा उस पर्सन के लिए। फिर जब खिलाना हो जाता है डॉग्स को, जंगकुक तंग से पूछता है तुम हैप्पी हो? तंग हाँ में अपना सिर हिलाता है और कहता है सबको ही ऐसा ही सबक पाना चाहिए जो लोग किसी को फोर्स करने की ट्राई करता है। ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है यू आर राइट, मेरा क्वीन जो बोलेगा हमेशा वही होगा। तंग हूँ कह देता है और जंगकुक को कहता है तुम्हें प्रूफ करना होगा परफेक्ट खुद को। जंगकुक कहता है मैं ऑलरेडी परफेक्ट हूँ, पर जबकि मैं मेरी क्वीन के पास परफेक्ट नहीं हूँ तो फिर और भी ज़्यादा मैं करने की ट्राई करूँगा। इससे तंग फिर से हूँ कह देता है जंगकुक, जो उसके बाद और कुछ भी नहीं कहता है। जंगकुक तंग के साथ पहले की तरह ही नॉर्मल था और तंग के पास जंगकुक के लाइफस्टाइल अब पूरी तरह से नॉर्मल हो गया था। वो समझ सकता है कि जंगकुक किस लिए अब पीछे नहीं हट सकता है। वो समझ सकता है कि अब वो यहाँ पर ही हैप्पी है, वो बाहर की वर्ल्ड में जाना भी नहीं चाहता है। जंगकुक जिस तरह से उसे रख रहा है, तंग समझ पा रहा है कि वो यहाँ पर सेफ है और बहुत ज़्यादा अच्छा है। जंगकुक जो तंग के पास आता है, तंग जो कॉन्फ्यूज था जंगकुक अचानक से इस टाइम पर, तभी जंगकुक कहता है तुम मुझे देखकर इस तरह से कॉन्फ्यूज लुक क्यों दे रहे हो? तंग कहता है अब आफ्टरनून के टाइम हो रहा है और तुम इस टाइम पर, इसी वजह से थोड़ा सा शॉक था। फिर जंगकुक कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। तंग कॉन्फ्यूज होकर पूछता है क्या? जंगकुक तुरंत ही टर्न करा लेता है। अब तंग की बैक जंगकुक की तरफ था। जंगकुक तंग की नेक पर एक सॉफ्ट किस करता है, इससे तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है। वो अपनी होल बॉडी में गूज बम्प फील करने लगता है। फिर जंगकुक तंग के शोल्डर पर भी एक किस करता है और वो सोली सोली तंग के नेक में एक लॉकेट पहना देता है। इससे तंग उसकी तरफ देखता है पर तंग एकदम से शॉक हो जाता है और पूछता है यहाँ पर ब्लैक किस्ट्रॉल क्या कर रहा है? तभी जंगकुक तंग की यार में उस पर करके कहता है ये ब्लैक किस्ट्रॉल नहीं है, ये ब्लैक डायमंड है। इससे तंग फिर से शॉक हो जाता है और वो कॉन्फ्यूज होकर पूछता है पर मैं तो कभी भी इस बारे में नहीं सुना था। जंगकुक कहता है ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है, इसे पाना इतना ज़्यादा ईजी नहीं है और मैं मिस्टर जियोन को इसी वजह से इतना सालों से बचा कर रखा था ताकि मैं इसके बारे में जान पाऊँ और तुम तो उसे मारते थे तो फिर अब उसके सारे सीक्रेट बाहर आने वाला था तो मुझे ये मिल गया था। ये भी कह सकते हो कि इतना ज़्यादा इसलिए नहीं मिला था क्योंकि वो गल मेरे बीच में आ रहा था। तंग जंगकुक से कॉन्फ्यूज होकर पूछता है कौन? जंगकुक कहता है जो मेरी हॉट ग्रैंडमा था वही। इससे तंग अपना आइस को रोल कर लेता है और पूछता है मुझसे भी ज़्यादा हॉट? तभी जंगकुक तंग को अपनी तरफ टर्न कर लेता है और उसके वेस्ट कन अपने हैंड को क्रैप करते हुए कहता है तुम हॉट नहीं, तुम फुल एक फायर हो, तुमसे ज़्यादा कोई हॉट हो ही नहीं सकता है। तो उनके लिप्स की कॉर्नर पर एक स्माइल आ जाता है और वो जंगकुक की तरफ झुकते हुए पूछता है तो मिस्टर जियोन क्या सच में इतना ज़्यादा मुझे हॉट समझता है? जंगकुक तो उनकी चिन को पकड़ते हुए अपनी तरफ उठाते हुए कहता है मैं समझता नहीं हूँ, तुम हो और उससे भी ज़्यादा जब तुम बिना क्लोथ के मेरे सामने आ जाते हो, उस टाइम पर तो जैसे मैं बात ही ना कर पाऊँ। इतना ज़्यादा हॉट पर्सन कैसे हो सकता है कोई इस दुनिया में? मैं पूरी तरह से शॉक हो जाता हूँ एंड तुम्हारी मौन उसके बारे में तो बातें करना भी पाप लग जाएगा, पाप नहीं मैं हार्ड हो जाऊँगा। इससे तंग जंगकुक को कहता है इतना ही ज़्यादा क्या मैं इंटरेस्टिंग लगता हूँ? जंगकुक कहता है तुम इंटरेस्टिंग नहीं हो, तुम जियोन की हो और इसी वजह से तुम और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगते हो जब तुम अपने नेम के आगे जियोन को यूज़ करते हो। ये सुनकर तुम फिर से स्माइल करता है और कहता है तो फिर जियोन को मैं अब किस वजह से थैंक यू बोलूँ मुझे इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल गिफ्ट देने की वजह से? जंगकुक तुरंत ही तंग को कहता है अगर तुम मुझे पे सस में करना ही चाहते हो तो फिर हम लोग बेडरूम में चलते हैं,
तवंग कहता है, बट तुम्हारे सन का क्या होगा? जंगकुक कहता है, मेरी लिटिल प्रिंस को मेरी सर्वेंट संभाल लेगा। तभी तवंग फिर से पूछता है, बट तुम उस औरत के साथ क्या किया हो? फिर तुरंत ही तवंग को जंगकुक आंसर करता है, मैं क्या कर सकता हूँ? जब किसी के ज़्यादा ही उड़ने का मन हो जाता है, तब तुम्हें पता है ना कि वो मर जाता है। ठीक वही हुआ है, वो ज़्यादा ही मेरी क्लोज आने की ट्राई कर रहा था, तो मैं उसे मार दिया हूँ। इससे तवंग अपना आइस को रोल करते हुए कहता है, असली भी दोनों पर्सन था, एक को मेरे ऊपर नज़र था, एक को तुम्हारी ऊपर। इस सुनकर जंगकुक हंसते हुए कहता है, अब उस टॉपिक को उठाकर मत लेकर आओ। क्या हम लोग बेडरूम में चले स्वीटहार्ट या मॉमी? जंगकुक को तंग तुरंत कहता है, ओ श्योर मास्टर। इस सुनकर जंगकुक गोल्फ करने लगता है और वो तुरंत ही तंग को पेडिस्टल में गोद में उठा लेता है और उसे लेकर रूम की तरफ जाने लगता है। तंग जंगकुक की निक के अपने हैंड को ग्रैप करके रखा था और स्माइल करते हुए कहता है, तुम इतना ज़्यादा हॉट क्यों हो? जंगकुक कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारा हूँ। और जंगकुक इसके साथ तंग को बेडरूम में लेकर जाता है और डोर को अंदर से लॉक कर देता है। रूम के इनसाइड से तंग के मन की साउंड आने लगता है। जंगकुक और तंग की क्लोथ इधर उधर पूरी तरह से रूम में पड़ा हुआ था। जंगकुक हार्डली मन करते हुए कहता है, जैसा मैं बोला था, तुमसे जैसा कोई और हॉट हो ही नहीं सकता है। तंग जंगकुक को कहता है, प्लीज़ मोर फर्स्ट। जंगकुक तंग की बातों को सुनकर और भी ज़्यादा फर्स्ट। जंगकुक तंग के साथ लव मेकिंग करने लगता है। इसके बाद ऐसा नहीं था कि जंगकुक खुद को बदल लिया था। जंगकुक सिर्फ तंग के लिए ही स्वीट था, बाकी वर्ल्ड के लिए अभी भी जंगकुक सेम ही था। वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए ही जितना ज़्यादा स्वीट हो सकता है उतना ज़्यादा स्वीट था। उसकी फैमिली के बारे में भी ज़्यादा लोगों को पता नहीं था, सिर्फ लोगों को इतना ही पता है कि हार्टलेस जून जंगकुक अकेला है। पर उसे क्या पता था कि जंगकुक की 3 साल के साथ एक फैमिली है। तंग मॉर्निंग में सबको ब्रेकफास्ट सर्व कर देता है। तब सब लोग जब ब्रेकफास्ट कर रहा था, बीस में से उन लोगों की सबसे ज़्यादा छोटा डॉटर जो जंगकुक के पास, रिक्वेस्ट करने लगता है कि जंगकुक उसके लिए बहुत सारे स्ट्रॉबेरीज को खरीद कर लेकर आए। इसे देखकर जंगकुक स्माइल करते हुए उसके चिक को पिंच करता है सॉफ्टली और कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक स्ट्रॉबेरी का पूरा पैलेस ही बना दूंगा। यह सुनकर वो हंसने लगता है और जंगकुक से पूछते हैं, सच में? जंगकुक हाँ कह देता है। तंग पूछता है, और मेरा क्या, मुझे भी स्ट्रॉबेरीज पसंद है। जंगकुक कहता है, तुम उसमें से खा लेना। तंग कहता है, तुम और मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम्हारी सारी अटेंशन तुम्हारी डॉटर ने छीन लिया है। इस सुनकर जंगकुक हंसते हुए कहता है, नहीं तुम भी मेरी अटेंशन को ग्रैब किया हो। जंगकुक को तंग अपना आइस को रोल कर लेता है और कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम मेरे लिए भी खरीदने वाले हो। जंगकुक कहता है, ठीक है तुम्हारे लिए मैं स्पेशल खरीदूंगा। इससे तुम कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछते कैसा। जंगकुक कहते, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें यार के पास बुलाता हूँ, इस स्पेशल स्ट्रॉबेरी है। इससे तुम कॉन्फ्यूज हो जाता है और वो चुपचाप जंगकुक के पास झुक जाता है। जंगकुक तंग की यार के पास उस पर करके कहता है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर कैसा होगा? आई होप कि तुम इसे पसंद करोगे। जंगकुक की बातों को सुनकर तंग की यार रेड हो जाता है और वो जंगकुक की सिर पर स्लैप मारते हुए कहता है, यू परवर्ट शेमलेस पर्सन, तुम इस तरह की बातें कैसे कर लेते हो? जंगकुक कहता, अपनी माउथ से, और मेरी माउथ और मेरी टंग काफ़ी है तुम्हें मेरे नेम से स्क्रीमिंग कराने के लिए। इस सुनकर तंग जंगकुक की तरफ डेंजरसली देखने लगता है और वो जंगकुक को कहता है, यहाँ पर हमारी शाल भी है, तुम इस तरह से शमलेस बातें कंटिन्यू नहीं रख सकते हो। जंगकुक कहता है, रियली उन लोगों को ऐसा तो नहीं है कि कभी भी पता नहीं लगेगा, एक दिन ऐसे भी पता ही लग जाएगा, तो फिर आज ही जानने दो। तंग कहते हैं, बट उन लोगों की राइट एज नहीं है, तुम अपने 2 ईयर्स की डॉटर्स को ये सब कुछ सिखाने वाले हो। इस सुनकर जंगकुक जो फिर से हंसने लगता है और कहता है, ठीक है मैं नहीं सिखाऊंगा, बट तुम ही 2 ईयर्स की डॉटर्स की साइड में लेटकर मेरे नेम्स पर एक दिन स्क्रीमिंग कर रहे थे। इस सुनकर तंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहते हैं, पार्वेट पर्सन मेरे साथ और बातें मत करना। जंगकुक हंसने लगता है और कहते, सॉरी माय लव। तंग जंगकुक से
बातें नहीं करता है और उप आउट करके ब्रेकफास्ट करने लगता है। जंको किसे देख कर कहता है, डार्लिंग आई एम रियली सॉरी, मैं दोबारा से तुम्हें इस तरह से टीज नहीं करूँगा। तोंग जंकुक की बातों को सुनकर कहता है, क्या सच में? जंकुक कहता है, हाँ, मैं कैसे मेरी लाइफ को इस तरह से और टीज कर सकता हूँ, आफ्टर ऑल मैं तुमसे बहुत सारा प्यार जो करता हूँ। इससे तुरंत ही तोंग और जंकुक की डॉटर बीस में से कहता है, मैं अभी आपसे प्यार करता हूँ। तोंग तुरंत ही कहता है, नो जंकुक मुझसे ज़्यादा प्यार करता है, राइट जंकुक? जंकुक हाँ में अपना सिर हिलाता है। तोंग कहता है, देखो मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ जंकुक। पर तभी उन लोगों की डॉटर बीस में से फिर से कहता है, नो डैड मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। ये सुनकर जंकुक स्माइल करता है और कोई भी आंसर नहीं करता है। तोंग अपने आइस को रोल कर लेता है और उन दोनों की सन जो उन लोगों की तरफ ही देख रहा था वो लोग जंकुक की तरह ही था। वो लोग मोस्ट ऑफ टाइम ही कोल्ड रहता है और बहुत ही ज़्यादा शांत है, पर जब भी तोंग और जंकुक की टाइम आता है तब वो लोग बहुत सारा बातें करता है। पर जब उन लोग की सिस्टर बातें करना स्टार्ट कर देता है तब उन लोगों की सिस्टर के सामने वो लोग कुछ भी नहीं है। तोंग उसके बाद अपने दोनों सन को जल्दी से ब्रेकफास्ट फिनिश करने के लिए कहता है और उन दोनों को जल्दी से रेडी करा कर स्कूल के लिए भेज देता है। जंकुक जब क्लास वर्क के लिए जाने वाला नहीं था इस वजह से जंकुक तोंग के साथ ही रुक जाता है। तोंग उसकी डॉटर को सुलाने के बाद जल्दी से नीचे आ जाता है और नीचे आकर जल्दी से काउस पर जंकुक के लैप पर बैठ जाता है। जंकुक तोंग को हक करते हुए कहता है, तुम ठीक हो? तोंग कहता है, मुझे तुम्हारे साथ मूवी देखना है। ये सुनकर जंकुक हाँ कह देता है और वो तोंग को हक करके काउस पर ही लेट जाता है और फिर ओम जल्दी से कुछ रोमांटिक मूवीज़ को सर्च करता है। तोंग जंकुक को एक सजेस्ट करता है, वो लोग उसके बाद वो मूवी को ही देखने लगता है। तोंग मूवी देखते देखते जंकुक के आर्म्स में ही सो जाता है। इसे देखकर जंकुक जो स्माइल करता है और तोंग के फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, तुम सच में एक बेबी हो, माई लिटिल बेबी। और जंकुक स्माइल करते हुए तोंग की तरफ भी देखने लगता है और यहाँ पर ये फैन फिक्शन एंड हो जाता है।